ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि आज फिर बढ़े तेल के दाम, पेट्रोल और डीजल के दाम फिर बढ़े। पेट्रोल पिछले 20 दिनों में 13वीं बार की गई वृद्धि, तो ये बड़ी खबर आपको बता दें। फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल 23 पैसे और डीजल 25 पैसे महंगा हुआ। 4 मई के बाद 13वीं बार यहां वृद्धि की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। पेट्रोल 23 पैसे और डीजल 25 पैसे महंगा हुआ है। 4 मई के बाद 13वीं बार की गई है ये वृद्धि। चलिए इसी पर और जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर गीत दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। गीत जी, एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। बिल्कुल इरम, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से लगभग 4 मई के बाद से पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार वृद्धि हो रही, यहां तक अगर मध्यप्रदेश की बात करते हैं तो पहले प्राइम पेट्रोल जो है वो 100 का आंकड़ा पार कर चुका था, लेकिन अब सादा पेट्रोल भी जो है 100 के पार कर पहुंच चुका है। ऐसे कई जिले हैं जहां पेट्रोल की कीमत बढ़ी हुई है, डीजल की कीमत बढ़ी हुई है। अभी डीजल 100 के पार नहीं हुआ है, लेकिन पेट्रोल लगभग 100 के पार हो चुका है। सबसे बड़ी बात है कि आज जो वृद्धि की गई है उसमें पेट्रोल में 23 पैसे है और डीजल में 25 पैसे कीमत बढ़ी। लेकिन जिस तरह से 3 राज्यों में वेट ज्यादा है, सबसे ज्यादा राजस्थान में है, फिर मध्य प्रदेश का भी नाम है उसमें, इनमें वेट ज्यादा बढ़ने से पेट्रोल की कीमत ज्यादा बढ़ती जाती है, इसी कारण जो है लगातार वृद्धि हो रही है। मुंबई में पेट्रोल जो है 99 रुपये है और चेन्नई में 95 रुपये है, कोलकाता में 93 रुपये। लेकिन मध्य प्रदेश की बात करेंगे और राजस्थान की, तो यहाँ पेट्रोल की कीमत जो है 100 के पार पहुंच चुकी है। तो ये लगातार पेट्रोल कच्चे तेल की जो आवक होती है उसके कारण और जो राज्यों में जो वेट लगाया जाता है उसके कारण लगातार ये वृद्धियां हो रही है, और ये वृद्धि के कारण जो है आवाम लोगों के जेब पर खासा प्रभाव पड़ रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया गीत दीक्षित जी पूरी जानकारी के लिए यहाँ पे। तो एक बार फिर तेल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। पेट्रोल 23 पैसे और डीजल 25 पैसे महंगा हुआ है। 4 मई के बाद 13वीं बार ये वृद्धि की गई।